हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों, देखा जाए तो 20,000 के सेगमेंट में ऑलरेडी काफी सारे स्मार्टफोन मिल जाते हैं, बट उनमें से कुछ स्मार्टफोन ऐसे हैं जो बेस्ट कैमरे को लेकर आते हैं। लाइक आप स्क्रीन पर देख सकते हो, नार्जो 50 प्रो, आईक्यू जेड 7, रियलमी 10 प्रो, मोटो G2, G72, गैलेक्सी M33, नोट 12 और इन्फिनिक्स 05G 2023। ये वो स्मार्टफोन है जो 20,000 के नीचे आपको बेस्ट कैमरा क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, बट इनमें से 3 स्मार्टफोन्स को निकालना मेरे लिए काफी हार्ड था। डोंट वरी, मैंने काफी रिसर्च करने और टाइम देने के बाद आपके लिए टॉप 3 कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन पिक किए हैं अंडर 20K, जहां पर आपको 4K और OIS दोनों मिल जाएंगे, जिससे आप फ्लैक्सिबल फोटोज और वीडियोज क्लिक कर सकते हो। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। बट गाइस, सर आप एक छोटा सा काम कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि ये एकदम फ्री है, सो प्लीज कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं पहले स्मार्टफोन की जो मेरी लिस्ट में आता है मोटोरोला की तरफ से, मोटो G82 5G। पहली बात तो ये इकलौता स्मार्टफोन था अंडर 20,000 के सेगमेंट में जो OIS को लेकर आता है। अभी एक और स्मार्टफोन आ चुका है जो इस लिस्ट में इंक्लूड भी किया गया है। इस फोन को ऐड करने का पहला रीजन तो कैमरा है, ठीक है। दूसरा रीजन है इसमें स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है, जिससे आपको कोई भी एड्स, ब्लॉटवेयर, गंदे नोटिफिकेशंस, इन सब का झमेला नहीं मिलता है और आपको एकदम क्लीन यूजर एक्सपीरियंस मिलेगा। 6GB प्लस 128GB बेस वेरिएंट से आता है। रियर साइड में ट्रिपल कैमरास मिल जाते हैं। प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का दिया गया है विद OIS, साथ में 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 का माइक्रो लेंस मिल जाएगा। फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है। इसके रियर और फ्रंट दोनों कैमरे से 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। सडनली इसमें 4K नहीं मिलता है, बट OIS दिया गया है जो कि अच्छे से वर्क करता है। आप यहां से काफी स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। साथ ही साथ कैमरा परफॉर्मेंस भी आपको बेस्ट मिलता है। डेलाइट कंडीशन में जबरदस्त परफॉर्म करता है, नाइट के अंदर थोड़ा सा स्टल करेगा, बाकी ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस टॉप नॉच मिलेगा। दोस्तों, बाकी फीचर्स की बात करूं तो इसमें 6.6 इंच का फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले दिया गया है विद सेंटर पंच होल, 120 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और 10 बिट का पैनल यूज किया गया है, जिसमें दोस्तों 1 बिलियन कलर्स मिल जाएंगे और ये आपके डिस्प्ले एक्सपीरियंस को और ज्यादा इनहेंस करता है। आपको काफी पंची और एक्यूरेट कलर्स मिलते हैं। दोस्तों, रियर साइड में पॉलीकार्बोनेट डिजाइन दिया गया है विद ग्लॉसी फिनिश। इसमें परफॉर्मेंस मिलेगा कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 695 जो कि 5G कैपेबल है, 6nm पर आता है। अच्छी खासी गेमिंग आप यहां से कर पाओगे। इसमें एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा जो कि MyUX यानी कि स्टॉक एंड्रॉइड पर बेस्ड है। इस फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है जो कि 30W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें IP52 की रेटिंग, 3.5mm जैक और 12 स्टीरियो स्पीकर्स भी दिए गए हैं। तो ये 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी प्राइस है फिलहाल 19,999, 20,000 रुपए में डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी M33 5G। आपको पता होना चाहिए, बजट को छोड़कर ऊपर जितने भी स्मार्टफोन है किसी को भी उठा लो, उनके अंदर कैमरा परफॉर्मेंस टॉप नॉच ही मिलेगा। इस फोन में भी कैमरा जबरदस्त दिया गया है। 6GB प्लस 128GB बेस वेरिएंट से आता है। इसके रियर साइड में क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है। प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, साथ में 5 का अल्ट्रा वाइड और 22 मेगापिक्सल के डेप्थ और माइक्रो लेंस मिल जाएंगे। फ्रंट साइड में 8 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है। इसके रियर कैमरे से 4K 30fps और फ्रंट कैमरे से 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। ये भी डेलाइट कंडीशन में जबरदस्त परफॉर्म करता है, नाइट के अंदर थोड़ा सा स्टल करेगा, बाकी ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस यहां पर भी टॉप नॉच मिलेगा, नो डाउट। तो बाकी फीचर्स की बात करूं तो इसमें 6.6 इंच का फुल HD प्लस TFT डिस्प्ले दिया गया है विद ड्रॉप नॉच, 120 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा। डिस्प्ले डिसेंट दी गई है। तो रियर साइड में पॉलीकार्बोनेट डिजाइन दिया गया है विद ग्लॉसी फिनिश। इस फोन में परफॉर्मेंस मिलेगा सैमसंग के खुद का एक्जिनोस 1280, हालांकि 5G कैपेबल है, बट ये 5nm पर बना हुआ है, काफी पावर एफिशिएंट है। अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो ये स्नैपड्रैगन 695 के लगभग बराबर है, 4 लाख के करीबन स्कोर प्रोवाइड करता है। गेमिंग भी आप यहां से अच्छी खासी कर सकते हो। इसमें एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है जो कि 1UI 4.1 पर बेस्ड है। साथ ही साथ वेपर चैम्बर कूलिंग भी मिल जाती है। दोस्तों, इसमें 6000mAh की पावरफुल बैटरी दी गई है जो कि 25W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, बट सडनली चार्जर आपको बॉक्स में नहीं मिलेगा। बाकी इसमें 3.5mm जैक, सिंगल स्पीकर और वर्चुअली 8GB तक रैम बढ़ा सकते हो। तो ये 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी प्राइस है 17,999, 18,000 रुपए में डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो।
दोस्तों फाइनली नेक्स्ट और लास्ट स्मार्टफोन आता है आईक्यू की तरफ से IQ Z7 5G, और ये अभी रिसेंटली में लॉन्च किया गया है। 6GB + 128GB बेस वेरिएंट से आता है। इस फोन के रियर साइड में सिर्फ डुअल कैमरास मिलते हैं। प्राइमरी लेंस 64 मेगापिक्सल का दिया गया है विद OIS, साथ में 2 का डेप्थ लेंस मिलता है, बट इसमें अल्ट्रा वाइड नहीं मिलेगा। फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है। इसके रियर कैमरे से 4K 30fps और फ्रंट कैमरे से 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। तो ये 20,000 के नीचे एकमात्र स्मार्टफोन है जो OIS और 4K दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ आता है। यहाँ से आप फ्लैगशिप कैमरा एक्सपीरियंस कर सकते हो। अगर बाकी फीचर्स की बात करूँ तो इसमें 6.38 इंच का यानी कि काफी छोटा डिस्प्ले मिलता है, वो भी फुल HD+ रेजुलेशन के साथ AMOLED पैनल है। ये ड्रॉपनोस दिया गया है, 90Hz के फास्ट रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। इसमें HDR10+ का सपोर्ट और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है। डिस्प्ले टॉप क्लास दिया गया है। रियर साइड में पॉलीकार्बोनेट डिजाइन मिलेगा विद ग्लॉसी फिनिश। ये बॉक्सी फ्रेम के साथ आता है। इसमें परफॉर्मेंस मिलेगा MediaTek Dimensity 920 जो कि डुअल 5G कैपेबल है। 6nm पर ये आता है। 920 दोस्तों मिड रेंज सेगमेंट में टॉप नॉच परफॉर्म करता है। आप यहां से बेहतरीन गेमिंग कर सकते हो। इसमें एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा जो कि फनटच OS 13 पर बेस्ड है। इस फोन में 4500mAh की बैटरी मिल जाएगी जो कि 44W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें IP54 की रेटिंग, 3.5mm जैक, सिंगल स्पीकर और 8GB तक वर्चुअली रैम बढ़ा पाओगे। तो ये 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है और इसकी प्राइस है 18,999, 19,000 रुपये में डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। तो वैसे ये थे बेस्ट कैमरा फोन्स अंडर 20,000। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।